Hello students, in today's lecture number 9 on the chapter electricity, we shall discuss our next topic, heating effects of electric current. Heating effect of electric current. It was actually given by Joule, so it is also known as Joule's heating effect. Kisne diya tha beta ye? Joule ne diya tha. To isko Joule's heating effect bhi hum kehte hain. Joule's heating effect. Joule's heating effect. क्या कहते हैं? जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इसे. ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट जूल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब हम किसी वायर, एक वायर लेते हैं, ये मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है, और इस वायर में पी क्यू मान लेते हैं, ये पी क्यू एक वायर है. पी क्यू वायर के दोनों सिरों पी और क्यू के बीच एक सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी जोड़ करके हम पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देते हैं. क्या पैदा कर देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देते हैं. और ये हमने प्लग की भी लगा दी. प्लग की को जैसे ही क्लोज करेंगे हम, ये मान लीजिए आपका नेगेटिव टर्मिनल यहां पर बना दो, नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और वी पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के दोनों सिरों के बीच इस बैटरी ने क्रिएट किया है. तो जब एक वायर मेटेलिक वायर है पी क्यू, मेटेलिक वायर पी क्यू के दोनों सिरों के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया जाता है, तो उस वायर में क्या हो जाता है? चार्ज का फ्लो होता है और उस वजह से करंट डेवलप होता है. करंट का फ्लो होगा, फाइनली किसका फ्लो होगा? करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर के अंदर, मेटेलिक वायर के अंदर, वो हायर पोटेंशियल एंड की तरफ मूव करेंगे. आप जानते हैं पी जो सिरा है वायर का, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, और क्यू जो सिरा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यानी ये लो पोटेंशियल पर है. तो ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर, तो वायर के दोनों सिरों के बीच में क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा. ठीक है, तो जूल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि वेन एवर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए वायर अक्रॉस विच वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, देन अमाउंट ऑफ हीट इज डेवलप्ड इन द वायर. तो वायर में क्या डेवलप हो जाता है? हीट डेवलप हो जाता है. सो जूल ने क्या कहा था वो लिख लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. स्टेटमेंट क्या होगा? एज पर जूल हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इफेक्ट, इफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, थ्रू ए कंडक्टिंग वायर across which there is potential difference V, then if electric current I flows through a conducting wire, कैसा कंडक्टिंग वायर? अक्रॉस विच देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस वी, अक्रॉस विच देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बी, और कितने समय के लिए फ्लो किया जाता है? फोर टाइम टी. एज पर जूल हीटिंग इफेक्ट, इफ इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर अक्रॉस विच देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बी फोर टाइम टी, then heat is developed in the wire. This effect is known as heating effect of electric current,
क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण वायर में हीटिंग इफेक्ट डेवलप हुआ है, वायर में हीट डेवलप हो रही है। किसकी वजह से डेवलप हुई? इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है वायर में, कितना इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होता है, किससे? वायर से। कैसे वायर के किस कैसे वायर से इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो? जिसके दोनों सिरों के बीच, अक्रॉस बीच देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। अक्रॉस बीच का मतलब जिसके दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी हो। यदि टी समय के लिए करंट फ्लो किया जाता है तो वायर में क्या डेवलप हो जाती है? हीट डेवलप हो जाती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसे हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो अब इसी डायग्राम को जो ऊपर मैंने बनाया है, इसी डायग्राम को इस तरीके से मैं बना देता हूं। ये मान लीजिए वायर पी क्यू, ये वायर पी क्यू का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और ये वायर पी क्यू दो सिरे वायर के। इन इस वायर पी क्यू को एक बैटरी से आपने जोड़ा, इस तरीके से जोड़ा, ठीक है, प्लग की लगाई, और प्लग की को जैसे ही क्लोज किया तो इस वायर में करंट फ्लो हो गया, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, क्या रेजिस्टेंस है? कैपिटल आर। देन एज पर हीटिंग इफेक्ट, मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग? हीट, अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड, हीट डेवलप्ड यही लिख दीजिए, हीट डेवलप्ड इन वायर इज एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वायर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जितने समय के लिए आपने करंट फ्लो किया उस समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो लिखा जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम वन मान लेते हैं, तो आई स्क्वायर आर टी ये रिलेशन आ जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर टी ये रिलेशन आया। इस रिलेशन को हम कहते हैं जूल्स रिलेशन। क्या कहते हैं इसे? जूल्स रिलेशन कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहेंगे इसको? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये जूल्स रिलेशन क्या कहलाएगा? जूल्स रिलेशन, या फिर कहो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसे कहेंगे। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जूल नाम के वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, जो हीट है सबसे ज्यादा किस पर डेवलप कर डिपेंड कर रहा है? करंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि करंट जो है स्क्वायर टर्म में अपीयर हो रहा है, करंट का स्क्वायर टर्म है। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव करंट का पड़ेगा कि हीट ज्यादा डेवलप होगा या कम डेवलप होगा, ये सबसे ज्यादा डिसाइड कौन करने वाला है? करंट डिसाइड करने वाला है, क्योंकि करंट यहां पर स्क्वायर फॉर्म में अपीयर हो रहा है। अब कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है प्रूव इट, इसको प्रूव करने के लिए दिया जाता है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूफ देख लेते हैं इसका, प्रूफ ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट। देखिए वी नो दैट आप पावर का डेफिनेशन आप जानते होंगे, वी नो दैट द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, रेट ऑफ वर्क डन कहो, रेट ऑफ वर्क डन, या फिर कहो वर्क ही एनर्जी होता है, तो एनर्जी डिसिपेटेड, डिसिपेटेड मतलब, डिसिपेटेड का मतलब खर्च हो गई, खर्च होना, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। वी नो दैट रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। क्या कहते हैं इसे? पावर, जिसे पावर कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। एंड इट इज रिटेन एज कैसे लिखी जाएगी ये पावर? पावर पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसे लिखा जाएगा।
अब वर्क डन को W लिख सकते हो, टाइम को T लिख सकते हो, तो W अपॉन T हो जाएगा, W अपॉन T हो जाएगा, P इज इक्वल टू, अब यहां से W निकाल लीजिए, वर्क डन यदि हम निकाल लें यहां से तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन यदि हम निकाले यहां से तो वर्क डन क्या आ जाएगा, देखिए वर्क डन क्या आ जाएगा, W P इज इक्वल टू W अपॉन T है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, W इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा, क्लियर। और जब W इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा तो ये W ही क्या है, एनर्जी है, ये W ही क्या है बेटा, एनर्जी है, ये W ही क्या है, एनर्जी है, ठीक है, ये W ही क्या है, एनर्जी है। और यहां पर P जो है, ये P क्या है, ये P जो है, ये क्या है, P जो है इलेक्ट्रिक पावर है, क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है ना, P क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है, या फिर सेंस P यहां लिख सकते हो आप, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये इलेक्ट्रिक पावर है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये जब रखोगे आप तो क्या आ जाएगा, वी आई इंटू टी आ जाएगा, वी आई इंटू टी आ जाएगा। अब एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो, तो V की वैल्यू आई आर यहां रखोगे, V की जगह आई आर रखो, I इंटू टी, तो क्या आ गया, ये W इज इक्वल टू आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर टी, और यही W, यही W किसके बराबर है बेटा, हीट के बराबर है, हीट एनर्जी के बराबर है, क्योंकि वर्क डन ही तो एनर्जी है, और वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में, वायर में जो वर्क डन होगा वो हीट की फॉर्म में अपीयर होगा, तो W ही H है, तो ये H बराबर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, और यही क्या है आपका, हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इस तरीके से इसको डिराइव भी किया जा सकता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कई बार पूछ लेता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ लेता है बेटा कई बार, डिराइव करने के लिए दे देता है, तो इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये जो P इज इक्वल टू V इंटू आई है, ये P जो है इलेक्ट्रिक पावर है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। चलिए ये तो प्रूफ हो गया किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लें, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जैसे पावर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पावर को भी पी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा यहां पर ये और देखो आप, जो हमने पावर की बात की थी बेटा, पावर की बात की थी, पावर क्या लिखा था हमने, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम लिखा था, ठीक है। पावर के बारे में और जान लो, वर्क डन अपॉन टाइम था, तो ये W अपॉन T था, W वर्क डन किस में होता है, यूनिट यदि देखें जूल में होता है, और टाइम T किस में होता है, सेकंड में होता है, टाइम T किस में होता है, सेकंड में होता है, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट होता है, किसका, पावर का, जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। आगे हम और देखते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन पहले लिख लें, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी एंड इट इज द रेट ऑफ, रेट ऑफ, इट इज द रेट, रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है, एनर्जी डिसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, यानी जितने रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन और कंज्यूम्ड, ठीक है, और कंज्यूम्ड, एनर्जी डिसिपेटेड, डिसिपेटेड लिख दो इसको, इट इज द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, ठीक है, कंज्यूम्ड, सीओ एन एस यू, कंज्यूम्ड, दोबारा लिख देता हूं, सीओ एन एस यू एम ई डी, इट इज द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड और लॉस्ट इन एन इलेक्ट्रिकल, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है या लॉस्ट हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, कंज्यूम हुई है या लॉस्ट हुई है, उसे हम क्या कहते हैं,
उसका जो रेट है एनर्जी डिसिपेशन का, एनर्जी डिसिपेटेड या कंज्यूम्ड या लॉस्ट का जो एनर्जी का रेट है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी खर्च हो गई, कितनी एनर्जी खर्च हो गई, वो किस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो गई, खर्च हो गई, कंज्यूम हो गई, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगी। ठीक है, अब आपने एक डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से सुनी होगी पावर की, रेट ऑफ बीइंग वर्क विच इज डन, रेट ऑफ वर्क डन, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वहां पर जो वर्क हो रहा है ना बेटा, वही तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, वही तो क्या है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है। जो ये देखिए, सेंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और यही वर्क डन अपॉन टाइम, यही वर्क डन क्या है, यही वर्क डन तो एनर्जी डिसिपेटेड है, यही वर्क डन तो क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड या कंज्यूम्ड है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम को हम P इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम लिख सकते हैं। अब एनर्जी डिसिपेटेड कितनी आई थी, एनर्जी डिसिपेटेड आपकी कितनी आई थी, आई स्क्वायर आर टी आई थी, यही तो एनर्जी आ रही थी, जिसको आपने W अपॉन टी लिखा, और फिर W को ही आप क्या लिख दोगे, H अपॉन टी लिख दोगे, यानी P बराबर क्या आ जाएगा, H अपॉन टी आ जाएगा, और ये P बराबर H अपॉन टी से ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू H की जगह रखा आपने आई स्क्वायर आर टी, एच पर जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग H की जगह क्या रख दिया, आई स्क्वायर आर टी, इतना ही तो एनर्जी लॉस्ट होता है। जब किसी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब उस वायर में करंट फ्लो होता है, तो कितना एनर्जी लॉस्ट होता है, आई स्क्वायर आर टी, जब आर रेजिस्टेंस है वायर का टी टाइम के लिए, जब हम करंट फ्लो करते हैं तो। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, समझ गए, एनर्जी डिसिपेटेड हो गई है। फिर से देखिए, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन को ही हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी डिसिपेटेड कहते हैं, इसको हमने डब्ल्यू से लिख दिया अपॉन टी, डब्ल्यू की जगह एच भी लिख सकते हैं, और लिख दो यहां पर और, ठीक है, और एच अपॉन टी, यानी पावर पी इज इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन टी, एच की जगह क्या रख दिया, आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर टी, एच पर जूल सीटिंग इफेक्ट, और टी की जगह टी, अब टी से ये टी कैंसिल हुआ तो पी की वैल्यू क्या आ गई, आई स्क्वायर आर आ गई। ठीक है, अब देखिएगा, पी इज इक्वल टू, इसको मैं आई इंटू आई आर लिख सकता हूं, आई इंटू आई आर लिख सकता हूं। अब आप जानते होंगे एच पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आप क्या जानते हो, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, बी इज इक्वल टू आई आर होता है, पोटेंशियल वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो पी आई आर की जगह रखो आप, इसको वी रख दो आई आर की जगह, आई वी, इसको प्रॉपरली यदि लिखें तो वी इंटू आई आ जाएगा। ये एक रिलेशन आ गया पावर का, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट आ गया, क्या आ गया, वोल्टेज इंटू करंट आ गया, ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला पावर का आ गया आपका, यहां से देखिए ये आ गया पावर, इसको यदि मैथमेटिकल लिखे तो W अपॉन टी आ गया, एक फॉर्मूला तो ये आ गया पावर का। ठीक है, एक फॉर्मूला पावर का आ गया आपका ये, देखो ये आ गया आई स्क्वायर आर आ गया, क्या आ गया, आई स्क्वायर आर आ गया एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला आ गया पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, क्या आ गया, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, समझ में आई बात, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये फॉर्मूला आ गया एक। ठीक है, चलिए अब इसको और तरीके से और लिखा जा सकता है, देखिए कैसे, सिंस यदि हम आई की वैल्यू रखे हैं, आई की वैल्यू इस ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो पावर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू आई की जगह वी अपॉन आर रखें, तो एक फॉर्मूला और आ गया, देखो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक रिलेशन आ गया, तो कई रिलेशन आ गए आपके पावर के, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी आई, आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, ये कई रिलेशन आ गए किसके, पावर के। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अब एस आई यूनिट की बात कर लेते हैं पावर की। ठीक है, एस आई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एस आई यूनिट क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन टी, और डब्ल्यू क्या है, वर्क यानी जूल, और टाइम क्या है, सेकंड में मेजर किया जाता है, जूल अपॉन सेकंड, या फिर लिखो जूल पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको जूल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं, ध्यान रखना वाट। ठीक है ना, डब्ल्यू से लिखा जाता है वाट को। ठीक है बेटा, ये वाट भी इसका एसआई यूनिट है, किसका, पावर का।
तो देखिए, अब यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि 1 वाट का डेफिनेशन क्या है, 1 वाट पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, 1 वाट, ठीक है। तो देखिए, 1 वाट की डेफिनेशन निकालने के लिए हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी वाला। यदि इस फॉर्मूले में मैं यदि डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 जूल लेता हूं और टाइम को ले लेता हूं 1 सेकेंड, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1 वाट। क्या हो जाएगी, 1 वाट, पी की जगह आ जाएगा 1 वाट, क्योंकि जब डब्ल्यू 1 जूल है और टाइम 1 सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड है और वर्क डन 1 जूल है, तो पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1 वाट के बराबर हो जाएगी। यानी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट इज इक्वल टू क्या आ गया, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, यानी वाट, वाट का वैल्यू क्या आ गया, जूल पर सेकेंड के बराबर आ गया। अब इसको डिफाइन कैसे करें, लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखें 1 वाट को, देखिए लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 वाट को। लैंग्वेज की फॉर्म में यदि आपको 1 वाट लिखना है, सो 1 वाट, 1 वाट इज डिफाइंड एज द पावर, ठीक है, 1 वाट इज डिफाइंड एज द पावर when 1 joule amount of work is done in 1 second. 1 watt is defined as the power when 1 joule amount of work is done in 1 second, ठीक है। या फिर दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, 1 watt is the power, 1 watt is the power when 1 joule amount of energy is dissipated, energy is dissipated or consumed, खर्च हो गई, ठीक है, in 1 second, इन 1 सेकेंड। यदि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 वाट। यदि 1 सेकेंड में 2 जूल एनर्जी खर्च हो रही है तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 वाट। 1 सेकेंड में यदि 3 जूल एनर्जी खर्च हो रही है तो कितनी पावर हो जाएगी, 3 वाट। 1 जूल में यदि सॉरी 1 सेकेंड में यदि 10 जूल एनर्जी खर्च हो रही है तो पावर कितनी हो जाएगी, 10 वाट। तो यदि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी खर्च होती है तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1 वाट हो जाएगी। समझ गए, ये 1 वाट की डेफिनेशन हो गई। और भी यूनिट होती है किसकी, इसकी पावर की, क्या क्या यूनिट होती है, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, बिगर यूनिट्स की बात करें, बड़ी यूनिट्स की, ठीक है, बिगर यूनिट्स। तो देखो किलोवाट होता है एक, किलोवाट, स्मॉल के डब्लू, क्या कहते हैं इसको, 1 किलोवाट, ठीक है, किलो का मतलब 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। एक होता है 1 मेगावाट, कैपिटल एम, देखो यहां पर ये के स्मॉल था, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, 1 मेगावाट मतलब 10 कितनी 0 6 0, ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हो, 1000 किलोवाट, क्या लिख सकते हो बेटा, 1000 किलोवाट, 1 मेगावाट। और यदि और तरीके से लिखना चाहे तो देखो, 1 किलोवाट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10^3 वाट, ठीक है, 10^3 वाट। ऐसे ये कितना लिखा जाएगा, 10^3, तो ये हो गया, और ये कौन, किलोवाट, किलो को कितना लिखा जाएगा, 10^3, और वाट की जगह वाट, यानी 10^6 वाट हो जाएगा, किसमें, 1 मेगावाट में, कितना वाट हो जाएगा, 10^6 वाट। और किलोवाट में कहें तो कितना किलोवाट होता है 1 मेगावाट में, 1000 किलोवाट, ठीक है, 1000 किलोवाट, ठीक है। और ऐसे ही होता है एक, जैसे 1 गीगावाट, गीगा, ठीक है, गीगावाट क्या होता है, ये होता है 1 के आगे कितनी 0 9, 5 6 7 8 9, ठीक है, गीगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 मेगावाट हो जाएगा, यानी 1000 मेगावाट हो जाएगा,
1000 मेगावाट, या फिर कहें 1000 का तो हो गया इतना, और मेगा का हो गया 10^6, और वाट यानी कितना आ गया 10^9 वाट, ऐसे कहो, या 1000 मेगावाट कहो, ठीक है, 1 गीगावाट। ऐसे ही टेरोवाट होता है बेटा एक, है ना, टेरोवाट, 1 टेरोवाट। टेरोवाट क्या होता है, टेरोवाट का मतलब होता है 1 के आगे 12 जीरो, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 जीरो होते हैं, यानी ये हो जाएगा 1000 और क्या आ जाएगा, गीगावाट, ठीक है, ये कैपिटल जी कर लो, गीगा को कैपिटल जी होता है, है ना, इधर लिख देता हूं 1 गीगावाट कैपिटल जी, ठीक है। तो 1000 गीगावाट हो गया टेरोवाट में, 1000 का मतलब 10^3 और गीगा का मतलब 10^9 वाट, यानी कितना आ गया 10^12 वाट 1 टेरोवाट में, ठीक है। ऐसे ही पीटावाट होता है, 15 आता है, 10^15। ये बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं किसकी, पावर की, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी होता है बेटा, क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, देखो पावर का और यूनिट और बता देता हूं मैं आपको, उससे पहले यदि इस फॉर्मूले के अनुसार चले हम, किस फॉर्मूले के अनुसार, इफ पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, यदि ये वाला फॉर्मूला ले रहे हो आप, तो पावर पी, वोल्टेज वी और करंट आई, तो क्या यूनिट हो जाएगा, वोल्टेज का तो वोल्ट हो गया और करंट का हो गया एम्पियर, क्या हो गया, एम्पियर, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, ये भी यूनिट होता है किसका, पावर का, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, छोटी सी बात किसके ऊपर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के ऊपर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी होता है एक, ठीक है, बिजली का बिल आता है ना आपका घरों में, उसमें आता है कि आपने महीने में इतनी बिजली कंज्यूम कर दी, खर्च कर दी, तो वो यूनिट की फॉर्म में आता है बेटा, आपने कभी देखा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो बिजली का बिल हम देते हैं ना बिजली बोर्ड को, आप बिजली का बिल देखना, उसमें यूनिट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, यूनिट, यूनिट, वन यूनिट में कितना जूल एनर्जी होता है वो हम जानेंगे, वन यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी हम खर्च कर चुके हैं, जैसे हमारा बिल मान लीजिए 20 यूनिट आया है, तो आपके इलाके में मान लीजिए यूनिट, वो एक यूनिट का रेट 4 रुपए है, तो 20 यूनिट का मतलब कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, 80 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, और उसका बेस अमाउंट अलग होगा उसमें, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है बेटा 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, जिसको क्या लिखते हैं, 1 स्मॉल k WH, ठीक है, W कैपिटल है, 1 किलो वाट आवर, इसे कहते हैं हम क्या, 1 यूनिट कहते हैं बेटा, या फिर इधर लिख लो, 1 यूनिट का मतलब 1 किलो वाट आवर। अब 1 किलो का मतलब होता है 1000, जानते हो सब, और वाट की जगह वाट लिख दिया, ठीक है। अब आवर की जगह क्या लिखे, 60 मिनट लिख दिया। अब मिनट को भी हम किस में बदल दें बेटा, सेकंड में बदल दें, तो 60, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, तो ये बदल गया सेकंड में, ठीक है, 1 आवर में इतना सेकंड हुआ ना। अब इसको देखो, मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 और 30 ये 20 ये, तो 50 हो गई है, और वाट सेकंड, अब याद करो वाट सेकंड मैंने किसका यूनिट बताया था, वाट इंटू सेकंड किसका यूनिट है, वाट इंटू सेकंड, याद करो, याद आ जाए तो देखो रफ में करके देखते हैं, पी इज इक्वल टू W/T, ये फॉर्मूला था, तो यहां से W इज इक्वल टू पी इंटू टी आया, और P क्या है, पावर, पावर का यूनिट क्या होता है वाट, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, और ये वर्क डन क्या होता है जूल, तो यानी वाट सेकंड को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, वाट सेकंड की जगह और क्या लिखा जा सकता है बेटा, जूल लिखा जा सकता है, यानी इतना, ये 50 थी बेटा, 3 to 5, है ना, 3 to 5,
और ये जूल लिखा जाता है, वाट सेकंड। यानी वन यूनिट का मतलब देखो बेटा कितनी एनर्जी खर्च कर दी, कितनी एनर्जी हो गई है, ये कितनी एनर्जी हो गई, 36 लाख जूल एनर्जी। कितना? 36 लाख जूल एनर्जी खर्च कर दी आपने, ठीक है। इसका मतलब जूल बहुत छोटा यूनिट है। अब यदि आप जूल में एनर्जी को मेजर करोगे तो कितने लैक्स लिखोगे, ठीक है। यदि 20 यूनिट हो गई तो देखो कितना लिखना पड़ेगा आपको, है 72 लैक्स, 20 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और बड़ी संख्या आ जाएगी, जीरो ही लगाते रहेंगे हम पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम जूल जो है एक बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए बड़ी यूनिट हम यूज करते हैं, वन यूनिट। वन यूनिट का मतलब इतना होता है, यानी वन यूनिट क्या कहते हैं हम, 1 किलोवाट आवर, ये इसका कमर्शियल यूनिट है, ध्यान रखना, 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, ये वन यूनिट है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 36 × 10^5 लिखा जा सकता है, 50 है। और यदि इसको और इस तरीके से लिखें, यदि 3.6 लिखूं तो यहाँ 6 आ जाएगा, इतना जूल। यानी वन यूनिट का मतलब आपने इतनी जूल एनर्जी खर्च कर दी, ठीक है। वन यूनिट का मतलब आप इतनी एनर्जी खर्च कर चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहलाती है ये, ठीक है बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वन यूनिट, वन यूनिट का मतलब आपने इतनी एनर्जी खर्च कर दी, ठीक है, कितनी एनर्जी खर्च कर दी, 3.6 × 10^6 जूल एनर्जी खर्च कर दी आपने, ठीक है ना। कितनी एनर्जी खर्च कर दी, 3.6 × 10^6 जूल एनर्जी खर्च कर दी, ठीक है। तो ये 3.6 जूल एनर्जी का कैसे डिफाइन करेंगे हम, जब 1 वाट आवर, वन वन वाट आवर क्या होता है, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 आवर में, 1 घंटे में यदि 1 वाट पावर का यूज होता है, कंजम्पशन होता है, तो वो 1 वाट आवर कहलाती है। और 1 घंटे में यदि 1 किलोवाट पावर का कंजम्पशन होता है, तो वो 1 किलोवाट आवर कहलाती है, ठीक है ना। 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए जब 1 वाट पावर यूज होती है, तो वो 1 वाट आवर कहलाती है, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट क्या बताया मैंने आपको, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब जो कई बार आप सोचते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम पेमेंट करते हैं ना बिल के रूप में, वो किसके लिए करते हैं बताओ, वो हम चार्ज के लिए नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट के लिए नहीं करते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए करते हैं बेटा, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। यानी जो देखो जो चार्ज चार्ज होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो तो हमारे वायर जो लगे हुए हैं घरों में, उसमें अवेलेबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो फिर उस वायर के दोनों सिरों के बीच क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना पड़ेगा। तो एनर्जी की सप्लाई करता है कौन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसके लिए हम उसे पेमेंट करते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं लेके बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और वो बल्ब जो है, वो मान लीजिए कितने वाट का बल्ब है, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, और वो 8 घंटे एक दिन में जलता है, ठीक है ना, 8 घंटे एक दिन में जलता है, ठीक है। एक बल्ब, ए बल्ब, ए 100 वाट बल्ब ग्लोज फॉर 8 आवर्स पर डे, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक दिन में 8 घंटे जलता है कौन, 100 वाट का बल्ब, ठीक है, 8 आवर्स पर डे जलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन तक जलाना इसको, तो ये कितना एनर्जी खर्च कर देगा, 30 डेज एट रेट, मान लीजिए जो रेट है वो 3 किलो, 3 पर किलोवाट आवर है,
कितनी रेट है? 3 पर किलोवाट आवर रेट है। तो बताइए कितनी कॉस्ट आएगी, बिल कितना आएगा, कितना एनर्जी खर्च हो जाएगा, कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, ये पता करना है, ये पता करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन सीधा सा सॉल्यूशन हो जाएगा, कितने वाट का बल्ब है बेटा, 100 वाट का बल्ब है। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाल लो पहले, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, यानी एक महीने में कितना एनर्जी कंज्यूम किया उस बल्ब ने, बल्ब की पावर। भाई एनर्जी कैसे निकालते हैं, रफ में देखें तो एनर्जी पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और यही वर्क डन तो एनर्जी होता है, यानी W इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो देखिए पावर कितनी है बल्ब की, 100 वाट है, ठीक है, और टाइम कितना है, 8 आवर है, 8 आवर एक दिन का है, लेकिन कितने दिन का निकालना है, 30 डेज का निकालना है। तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 30 डेज का निकालना है, ठीक है बेटा, 30 डेज का निकालना है, और ये 8 आवर्स पर डे है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये वाट में है और ये आवर्स पर डे है, पर डेज, और ये डेज है 30 डेज, ठीक है। तो डे से तो डे कैंसिल हो गया, 8 आवर इंटू 30 इंटू 100 कितना आ गया, 800 इंटू 30, है ना, वाट आवर, डे तो बचेगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा, वाट आवर आ गया। तो ये 24,000 वाट आवर आ गया, यानी 24 किलो वाट आवर आ गया। 30 को क्या लिख देंगे बेटा, किलो लिख देंगे 30 को, तो 24 किलो वाट आवर आ गया, कितना आ गया, 24 किलो वाट आवर आ गया। ये इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, यानी 24 यूनिट हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया, 24 यूनिट हो गया, 1 यूनिट में 1 किलो वाट आवर होता है, तो यानी 24 यूनिट खर्च कर देगा एक महीने में वो बल्ब, 100 वाट का बल्ब यदि रोज 8 घंटे जलाओगे तो एक महीने में आपके 24 यानी 30 दिन में इतना जो है यूनिट खर्च हो जाएगा, इतना एनर्जी खर्च हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एनर्जी का रेट कितना है, 3 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें, कितनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ जाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी की यदि हम बात करें इसमें, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो जरा कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगी भाई, 1 किलोवाट आवर, देखो 3 पर किलोवाट आवर है, यानी 1 किलोवाट आवर में 3 रुपीज है, रुपीज 3 पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर की रुपीज 3 यूनिट है। तो 24 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम की, और 1 किलोवाट आवर की रेट कितनी है, 3 है ना, 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, यही है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 3 से, तो कितना आ गया बेटा, ये कितना आ जाएगा फिर, 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपीज आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 रुपीज, कितना आ जाएगा, 72 रुपीज, यानी इतना बिल आ जाएगा, इतना कॉस्ट आएगा एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं हम इस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के ऊपर, आगे और भी देखेंगे हम सवाल। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर इससे आगे और बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सवाल और ले लेता हूं, सवाल इसी के ऊपर सवाल और ले लेते हैं, इसी के ऊपर सवाल और लेते हैं बेटा। हाँ जी बेटे, देखो 12.12 ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्टेड है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्टेड है, और करंट कितना है, 0.50 एम्पियर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कनेक्टेड है 220 वोल्ट, किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट जनरेटर से, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब की पावर क्या होगी ये पता करना है,
ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको? पहले जो दिया है वैसे जोड़, देखो जनरेटर है ये, मान लीजिए एक जनरेटर है, ये जनरेटर है, कितना वोल्ट का है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट वी का वैल्यू दे रखा है। इस जनरेटर से जुड़ा है एक बल्ब, ये बल्ब जोड़ दो, ये बल्ब जोड़ दिया आपने, ठीक है बेटा। अब ये बल्ब कितना, जनरेटर से कितना करंट ले रहा है? 0.50 एम्पियर इतना करंट ले रहा है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, इसकी पावर क्या होगी बल्ब की, यही तो पता करना है। तो अब बड़ा आसान सा है, सिंस पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज कितना है 220 और करंट कितना है बेटा 0.50, 0.50 220 इंटू 50/100, पॉइंट हटाओगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, तो ये 110 यानी वाट। पावर किस में होती है? वाट में। तो 110 वाट आ गई इसकी पावर, कितनी आ गई? 110 वाट या जूल पर सेकेंड, ये पावर, इस तरीके से पावर निकल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 12.13, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ये इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ठीक है, रेटेड 400 वाट, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, ठीक है। अभी सवाल किया था वैसे ही सवाल लग रहा है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी है 400 वाट, और कितने घंटे ऑपरेट किया जाता है? 8 आवर्स पर डे, एक दिन में ये 8 घंटे चलता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन तक यदि इसको प्रत्येक दिन 8 घंटे चलाए और 30 दिन तक ऐसे चलाए, तो बताइए कितनी कॉस्ट आएगी? यदि 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 3 रुपए है तो इसे कैसे करेंगे? ये तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने सवाल बताया वैसे ही है। तो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाल लें, ठीक है। तो गिवन क्या है पहले तो वो नोट कर लो, गिवन गिवन क्या है? पावर, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर 400 वाट है। टाइम कितना दे रखा है? 8 आवर्स पर डे, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितने दिन तक, डेज कितने? 30 दिन तक ऑपरेट किया जाता है, 30 डेज तक, ठीक है। ठीक है, ऑपरेटिंग डेज कितने दिन तक ऑपरेट किया जाता है, मतलब चलाया जाता है 30 डेज तक। और 1 किलोवाट आवर का, 1 किलोवाट आवर का रेट कितना है? ₹3, ₹3 है, ये 3 पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर का रुपीज इतना है, अमाउंट इतना है। तो कितनी कॉस्ट आएगी? तो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर निकाल लें। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर निकालो, रेफ्रिजरेटर के द्वारा टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, इज कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी निकालनी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला यूज करेंगे हम टोटल एनर्जी का। क्या फॉर्मूला? रफ में देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, और यही वर्क डन तो टाइम होता है, वो सॉरी एनर्जी होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम आ गया, यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। पावर कितनी है रेफ्रिजरेटर की? 400, और टाइम कितना है? 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे, ठीक है। और कितने दिन तक? टोटल नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन आएगा। अब देखो डेज से डेज कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 400 इंटू 800, 3200, और इंटू 30, और ये आवर्स, ठीक है। और ये 400 किसमें? वाट में है, तो वाट आवर्स, ठीक है, वाट आवर हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 3 3 9, 96,000 वाट आवर। इसको और क्या लिखा जा सकता है? 96 किलो वाट आवर लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी ये टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ गया। अब टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ गया तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट, टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर कितने दिन तक? फॉर 30 डेज, 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाओगे तो कितनी कॉस्ट आएगी? तो देखिए 96 टोटल एनर्जी आ रही है, 96 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का कंजम्पशन रेट कितना है? 3, तो 96 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो 3 6 जा 18, 3 9 9 जा 27 और 128 रुपीज, इतना रुपीज आ जाएगा, रुपीज 288 इतना कॉस्ट आ जाएगा एनर्जी का। समझ में आ गई बात, एनर्जी कॉस्ट इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं इस पेज पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट, बताइए आंसर। बहुत सिंपल सा आंसर है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड, एनर्जी का जो रेट है, एनर्जी डिलीवर्ड अपॉन टाइम, ये पूछ रहा है। तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है इसको, पावर ही तो होता है एनर्जी डिलीवर्ड अपॉन टाइम बाय ए करंट, करंट के द्वारा एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट क्या हो गया, एनर्जी डिलीवर्ड अपॉन टाइम रेट हो गया, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट, तो आंसर क्या हुआ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन है, पावर है। तो ये रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट किसको डिटरमाइन करती है, पावर को, यह आंसर हो गया, समझ गए। चलिए दूसरा प्रश्न, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, 5 एम्पियर, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, और ये 5 एम्पियर करंट लेती है, कितना करंट लेती है, 5 एम्पियर करंट ले रही है, ठीक है, आई का वैल्यू 5 एम्पियर है, किससे लेती है, 220 वोल्ट लाइन से, 220 वोल्ट लाइन से लेती है, ठीक है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, मोटर की पावर क्या होगी, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, और 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो सबसे पहले पावर ऑफ मोटर कैसे निकलेगी, पावर ऑफ मोटर तो सिंपल सा है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, क्योंकि वोल्टेज दे रखा है 220 और करंट दे रखा है 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 0 5 2 0 1 गया 5 2 0 सॉरी 5 2 10 का 0 5 2 10 और 1 1100 वाट, 1100 वाट ये पावर हो गई मोटर की, 1100 वाट, ठीक है, या फिर कहो कि 1.1 किलोवाट, और क्या कह सकते हैं इसको, 1.1 किलोवाट कह सकते हैं ना, 1.1 किलोवाट कह सकते हैं इसको भाई, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1.1 किलोवाट ही तो आएगा बेटा। अब देखो दो घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगी ये पावर, 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय मोटर इन 2 आवर, तो कैसे निकलेगा, एनर्जी कैसे आएगी, पावर इन टू टाइम, पावर कितना है, 1.1 किलो वाट, ये पावर है, और टाइम कितना है, पावर इंटू टाइम ही तो होता है एनर्जी, 2 आवर, तो कितना आ जाएगा ये, 2.2 किलो वाट आवर, ठीक है। तो कितना एनर्जी खर्च हो गया 2 घंटे में, 2.2 यूनिट एनर्जी खर्च हो गई, कितनी एनर्जी, 2.2 यूनिट, 2.2 यूनिट एनर्जी खर्च हो गई, कितने घंटे में, 2 घंटे इस मोटर को चलाओगे तो 2.2 यूनिट एनर्जी खर्च हो गई, और जूल में निकालोगे तो 1 यूनिट की जगह क्या लिख देंगे, 3.6 × 10⁻⁶ रखो 1 यूनिट की जगह, तो 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगी, तो इतनी एनर्जी खर्च हो गई, 2.2 यूनिट, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की पहले बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है भाई, जिसमें करंट फ्लो होने पर हीट डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस कौन सी होती है, ए डिवाइस इन विच हीट इज डेवलप्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण जिसमें हीट डेवलप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग डिवाइस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल क्या क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़ों पर प्रेस करते हो ना आप, तो उसमें करंट जाता है, तो उसकी जो अंदर स्प्रे कॉइल है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन, या इलेक्ट्रिक गीजर,
इलेक्ट्रिक गीजर, ये भी तो होता है इलेक्ट्रिक गीजर, टोस्टर, टोस्ट करने के टोस्टर होता है ना जिससे हम टोस्ट करते हैं, ठीक है, बेकिंग पर्पज में जो काम आता है, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन, ओवन होता है ना घरों में, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल भी होती है चाय वगैरह पानी गर्म करने के लिए केटल, इमर्जन रॉड, इमर्जन रॉड, सर्दियों में पानी गर्म करते हो ना, इमर्जन रॉड, उसमें इलेक्ट्रिक करने जाता है तो हीट डेवलप होती है, ठीक है, जैसे हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, बाल सुखाते हो आप, हेयर ड्रायर, ठीक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से क्या डेवलप हो जाए, हीट डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से जिसमें हीट डेवलप हो जाए वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस कहलाती है। और इनका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ऐसा किसने कहा था कि जब किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में करंट फ्लो करते हैं तो हीट डेवलप होती है, तो ऐसा किसने कहा था, जूल ने कहा था। तो इन सभी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल कई बार पूछ लेता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, टोस्टर, ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल इनका क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर जिसको और क्या कहते हो आप, और क्या कहते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये इनका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए फ्यूज, फ्यूज के बारे में और जान लेते हैं, फ्यूज आपने देखा होगा, एमसीबी सुना होगा, आजकल तो एमसीबी का यूज करते हैं हम, एमसीबी, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो हमारे सर्किट को ब्रेक कर दे, ठीक है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस, ये हमारे महंगे महंगे जो ये कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उनको डैमेज होने से बचाता है, सेव्स, सेव्स बचाता है, सेव्स कॉस्टली, कॉस्टली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे टीवी है, जैसे फ्रिज है, जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीवी है ना, जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, जैसे एसी, इन सबको डैमेज होने से बचाता है, एटसेट्रा, सेव्स कॉस्टली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डिवाइसेज, कंपोनेंट बोलो या डिवाइसेज कहो, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डैमेज, इलेक्ट्रिकल डैमेज, क्योंकि जब फ्यूज नहीं होगा तो कई बार क्या होता है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है, जब बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा, अब किसी डिवाइस को उतना करंट चाहिए नहीं और ज्यादा करंट आ गया तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल डैमेज होना, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिकल डैमेज होना कहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डैमेज से बचाने के लिए हम फ्यूज वायर का यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, फ्यूज वायर का यूज करते हैं, और फ्यूज वायर जो होता है ना बेटा, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये सीरीज में जुड़ा होता है बेटा, ये किस में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये काम क्या करता है, जैसे ऊपर बताया मैंने आपको, इट प्रोटेक्ट्स, है ना, और लिख देता हूं इसको, फ्यूज का कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है, फ्यूज इज ए डिवाइस, ये डेफिनेशन अलग से लिख रहा हूं, फ्यूज इज ए डिवाइस, ठीक है, फ्यूज इज ए डिवाइस विच विच प्रोटेक्ट्स, विच प्रोटेक्ट्स, सुरक्षा देता है, ठीक है, अप्लायंस सर्किट को बचाता है, वायरिंग जो जली हुई है वायर को जलने से बचा देता है, एंड अप्लायंसेज, अप्लायंसेज जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है ना,
जैसे ऊपर मैंने बोला टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये महंगी महंगी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको बचाता है बाय स्टॉपिंग क्या बंद करके, बाय स्टॉपिंग किसे रोककर, बाय स्टॉपिंग बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ एनी एनी अनड्यूली, ठीक है, बिना मतलब के अनड्यूली, ठीक है, अनड्यूली क्या हाई इलेक्ट्रिक करंट, हाई इलेक्ट्रिक करंट उनको चाहिए नहीं और फिर भी हाई इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो फ्यूज उनको बचाता है। और फ्यूज बना किसका होता है बेटा, ये फ्यूज मेटल का होता है, किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, ठीक है, अलॉय का हो सकता है, तो यहां लिख लेना फ्यूज इज मेड अप ऑफ, फ्यूज इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है, अलॉय, अलॉय का हो सकता है, ठीक है, मेटल का हो सकता है, अलॉय का हो सकता है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, ऑफ एप्रोप्रिएट, ना एप्रोप्रिएट लिख दो, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वैसे, एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है, जैसे कि टिन और शीशे का होता है फ्यूज, वैसे जनरली जो हम यूज करते हैं टिन और शीशे का होता है एलॉय, लेकिन हम जनरली जैसे इनका फ्यूज भी यूज कर लेते हैं कई बार, एल्युमिनियम का हो सकता है फ्यूज, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है फ्यूज, किसका हो सकता है, कॉपर का हो सकता है फ्यूज, ठीक है, एल्युमिनियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, ठीक है, लेड का हो सकता है, एटसेट्रा, जैसे कि लेड, लेड यानी शीशा हो गया, ठीक है, और टिन, टिन प्लस लेड का भी हो सकता है अलॉय, टिन प्लस लेड भी हो सकता है, ठीक है, ये अलॉय, अलॉय का भी होता है, जब दो या दो से ज्यादा मटेरियल को मिक्स कर दोगे तो अलॉय बन जाएगा, तो ये फ्यूज होता है जो हमारे महंगे महंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये मान लीजिए किसी डिवाइस को आप, कोई टीवी है मान लीजिए, ये टीवी है, ठीक है, ये टीवी है और इस टीवी को मान लीजिए 5 एम्पियर करंट, मान लीजिए 4 एम्पियर करंट चाहिए, 4 एम्पियर करंट चाहिए और यहां पर आपने कोई फ्यूज नहीं लगाया हुआ और यहां से 4 एम्पियर के बजाय इधर से आप करंट आ गया मान लीजिए 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो टीवी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उस, ये मान लीजिए यहां से 100 एम्पियर करंट आ गया या 10 एम्पियर करंट आ गया, तो उस केस में टीवी क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो टीवी को इलेक्ट्रिकली डैमेज होने से बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए हमें सीरीज में यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, फ्यूज जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, फ्यूज जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में क्या जोड़ना पड़ेगा, फ्यूज जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूज जोड़ना पड़ेगा। जब फ्यूज जोड़ देंगे तो फ्यूज मान, जैसे टीवी 4 एम्पियर करंट चाहिए तो यहां पर जनरली हम 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर लेंगे, किसका यूज कर लेंगे, 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर लेंगे। तो ये अब मान लीजिए 100 एम्पियर करंट जाएगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा और ये डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को, इस तरीके से टीवी जो है सेव मोड में हो जाए, सेव कर लेगा टीवी को, ये डैमेज होने से बचा लेगा, ठीक है। अब जो फ्यूज होते हैं ना वो अलग अलग रेटिंग्स के होते हैं, फ्यूज रेटिंग्स बाजार में जो फ्यूज मिलते हैं 1 एम्पियर का हो सकता है, 2 एम्पियर का हो सकता है, 3 एम्पियर का हो सकता है, 5 एम्पियर का हो सकता है, 10 एम्पियर का हो सकता है, इससे अलग वैल्यूज के भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फ्यूज लगाना है, मान लीजिए किसी आपके डिवाइस को 10, मान लीजिए 9 एम्पियर करंट चाहिए तो आप 10 एम्पियर का फ्यूज लगाओ वहां पर, किसका, कितने एम्पियर का फ्यूज लगाओ, 10 एम्पियर का फ्यूज लगाओ, ठीक है ना। तो फ्यूज जो है हमारी इलेक्ट्रिकल, महंगी महंगी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को डैमेज होने से बचाता है बेटा, ठीक है। और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको मान लीजिए 2 एम्पियर का ही करंट चाहिए और उसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगी, तो 2 एम्पियर का फ्यूज लगा दो उसको, क्योंकि जैसे ही 2 एम्पियर से ज्यादा का फ्यूज वहां, वो करंट ज्यादा फ्लो होगा तो वो फ्यूज जो है सर्किट को ब्रेक कर देगा, मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट होते ही ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, तो फिर जो आपका डिवाइस है वो सेफ मोड में रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से फ्यूज जो है हमारी महंगी महंगी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को डैमेज होने से बचाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की और बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स, एग्जांपल 12.10। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ले लेते हैं बेटा। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कंज्यूम करता है एनर्जी को किस रेट पर, 840 वाट रेट पर, ठीक है, यानी ये पावर है इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जब उसकी हीटिंग मैक्सिमम रेट पर है तो इतनी इस रेट से एनर्जी कंज्यूम करता है, और जब उसकी हीटिंग मिनिमम है, आप इलेक्ट्रिक आयरन है उसको मिनिमम या मैक्सिमम कर सकते हो ना, उस आप चाहते हो कि वो जल्दी गर्म हो जाए तो उसको उसमें जो रजिस्टर होता है वेरिएबल रजिस्टर उसको घुमा करके आप उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर दोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और यदि उसको कम कर दोगे तो कम करंट फ्लो होगा तो देरी से गर्म होगा, कंट्रोल में रहेगा, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यदि मैक्सिमम रेट पर हीटिंग करना है आपको तो ये एनर्जी कंजम्पशन है, इस पावर को कंज्यूम कर रहा है वो, और जब मिनिमम रेट पर आपको हीटिंग करना है तो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिक आयरन, और जिस सोर्स से वो जुड़ा हुआ है वो 220 वोल्ट सोर्स है। तो बताइए करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों केसेस में। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान सा हो जाएगा इसका। तो देखिए हमें करंट और रेजिस्टेंस चाहिए दोनों ही केस में। तो पहला केस क्या है, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पर होती है तो पावर कितनी है इलेक्ट्रिक आयरन की, 840 वाट, ठीक है, 840 वाट है पावर, ठीक है ना, कितनी है 840 वाट है, कितनी पावर है बेटा 840 वाट है, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। तो निकालना क्या है करंट, तो देखो P बराबर क्या होता है V इंटू I, तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन V, आसान सा सवाल है, तो निकाल लो I इज इक्वल टू P की वैल्यू 840 और B की वैल्यू 220, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 84 अपॉन 22 आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 24 जा 8 और 22 जा 4 और ये 11 और ये लगभग कितना आ जाएगा 11 3 जा 33, तो ये लगभग इतना वैल्यू आ जाएगा 3.82 एम्पियर ये करंट आ जाएगा। और रेजिस्टेंस भी चाहिए, रेजिस्टेंस कैसे निकालें फिर, रेजिस्टेंस देखो सिंस V इज इक्वल टू IR होता है तो इससे रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब V कितना है आपका 220 वोल्ट और करंट कितना आया 3.82, जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 57.60 ओम, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो केस वन में आ गया। केस टू क्या है, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, जब हीटिंग मिनिमम रेट पर हो रही है, ठीक है, मिनिमम रेट पर हीटिंग होती है तो पावर कितनी है, पावर है 360 वाट, क्वेश्चन में दे रखा है ना, जब हीटिंग मिनिमम रेट पर है तो पावर 360 वाट है, और 360 वाट है, ठीक है, और वोल्टेज तो वही है 220 वोल्ट, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला P अपॉन B, तो P का वैल्यू 360 और B का वैल्यू 220, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 18 अपॉन 11 आया, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 अपॉन 11 1.64 एम्पियर ये करंट आ गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालना है तो ये इस फॉर्मूले से ओम्स लॉ वाले से, ठीक है, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा V अपॉन I, V कितना है 220 और I कितना है 1.64, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 134.15 ओम, सॉल्व करके देखिएगा इतना आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से फॉर्मूले लगाने हैं आपको सिंपली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, एक 4 ओम रेजिस्टेंस है जिसमें ईच सेकेंड में 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक सेकेंड में ईच सेकेंड का मतलब देखिए शब्दों को पकड़ना है, ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में कितने जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, 100 जूल हीट, किसमें 4 ओम के रेजिस्टेंस में। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, मान लीजिए ये रजिस्टर है और इसका रजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है, और इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है 100 जूल, कितने टाइम में 1 सेकेंड में, ठीक है। तो इसमें इस वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करें,
इसको पता करना तो आसान है, किससे पता हो जाएगा ये पता हो जाएगा आपका इसमें, देखो एक तो आपको जूल्स हीटिंग इफेक्ट लगाना पड़ेगा, एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से देखिए क्या होगा, एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो देखिए वोल्टेज निकालना है हमें, निकालना क्या, वोल्टेज, वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो है करंट नहीं है, तो करंट इससे निकाल लो, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन आर टी आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। तो आई स्क्वायर, एच कितना है, एच है 100 जूल, और आर कितना है 4, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आई स्क्वायर का वैल्यू, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 5 एम्पियर, करंट निकाल लिया कितना 5 एम्पियर, ठीक है। तो वोल्टेज, देयर फोर वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, आई कितना आया था 5, और आर कितना दे रखा है 4, तो कितना आ गया 20 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वायर के अक्रॉस। आसान सा सवाल है, चलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया आपने, ठीक है। चलिए सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और किस फॉर्मूले के लगने से ये सवाल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, ठीक है, मतलब हीटर, हीटर हीटर आप जानते हो ना, एक इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया है आपने, करते होंगे घरों में, इलेक्ट्रिक हीटर में जो स्प्रिंग है वो ग्लो होती है, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं ना उसे, स्प्रिंग को, वो हीटिंग एलिमेंट जो है स्प्रिंग, वो तो ग्लो हो जाती है, लाल हो जाती है एकदम गर्म होकर के, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, लेकिन जिस तार से वो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर, जिस कॉर्ड से, जिस तार से वो जुड़ा हुआ है वो ग्लो नहीं होती, क्योंकि उस तार का तो रेजिस्टिविटी कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, और हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो बिकॉज बिकॉज रेजिस्टेंस या फिर कहो रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड मतलब वायर, इज वेरी लो, ठीक है, जिसमें लो होगा तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, तो लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट ऑफ, वेरी लेस लिखो, वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, जब भाई रजिस्ट वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई उसका रेजिस्टेंस ही ज्यादा नहीं है, तो उसमें कोई विरोध होने वाला ही नहीं है ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उसमें हीट वो जो चार्जेज हैं वो इजीली फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। बट हीटिंग एलिमेंट्स हैव कंपैरेटिवली, किसके कॉर्ड की तुलना में, कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस और या फिर कहो हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, तो हाई रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण क्या होगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो वो ग्लो हो जाता है, देयर फोर इट ग्लोज, देयर फोर इट ग्लोज क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है, ठीक है, देयर फोर इट ग्लो। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन 2, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलाम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, कितना कूलाम ऑफ चार्ज, 96,000, 96,000 कूलाम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, 1 घंटे में, टाइम कितना दे रखा है 1 आवर, और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 96,000 कूलाम, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी कितना है 50 वोल्ट, और निकालना क्या है, हीट, हीट कितनी जनरेट होगी ये निकालना है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है,
सबसे पहले तो आप आई निकाल लो इसके लिए, क्योंकि हीट निकालोगे तो आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो, देखो हमारे पास वी है लेकिन आर नहीं है ना, तो वी है तो आई बराबर क्या होता है, देखो आई बराबर होता है वी अपॉन आर, होता है ना, आई बराबर बी अपॉन आर, लेकिन नीचे आर आ जाएगा तो आर रहने दो, इसको आप सिंपली ऐसे ही करो, आई स्क्वायर आर टी है तो आई निकालो पहले, एच आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू अपॉन टी, तो क्यू कितना है 96,000, ठीक है, 96,000 कूलाम ऑफ चार्ज जा रहा है, और कितने टाइम में जा रहा है, इन 1 आवर, 1 आवर को आप किस में बदलेंगे बेटा, सेकंड में बदलो, 1 आवर को सेकंड में बदलेंगे 60 × 60, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और ये 16 से 160 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6 से, ठीक है, और फिर ये 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 6 से नहीं हो रहा है, 160/6 आया, और इसको सॉल्व करोगे तो 80/3 आ जाएगा, ठीक है, 80/3 एम्पियर ये करंट आ गया, तो 80/3 होल स्क्वायर ये करंट का वैल्यू हो गया। अब रेजिस्टेंस भी चाहिए तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप इसका, वी इज इक्वल टू आर आई, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है ना, तो वी कितना है, वी तो दे रखा है 50, और करंट कितना है 80/3, तो कितना आ गया 150/80, ये ओम, या 15/8 कह सकते हो, 15/8, ये 15/8 रेजिस्टेंस आ गया बेटा, कितना आ गया रेजिस्टेंस 15/8, तो यहाँ 15/8 लिख दो, इनटू टाइम कितना है 1 आवर, कितना है 1 आवर, तो 1 आवर, 1 आवर को आप सेकंड में बदल लो 60 × 60, ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, हीट डेवलप्ड आ जाएगी, ठीक है, वैसे आवर में रहने दें आप ज्यादा बढ़िया है, आवर में रहने देंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना, चलो इससे कर लो कोई बात नहीं, तो ये 80 × 80/9 × 15/8 × 60 × 60, इसको आप सॉल्व करो, 8 से ये 10 बार कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये 3 3 जा 9, और ये, और फिर ये 3 से 20, ठीक है, तो ऊपर 20 20 400, और × 15 ये हो गया 6000, ठीक है, 15 × 400 6000, और ये 8 है 48, 48 के आगे 50, कितने जीरो 50, इतना एनर्जी हो जाएगी, ठीक है बेटा, इतने वाट सेकंड एनर्जी आ जाएगी, इतना वाट सेकंड एनर्जी आ जाएगी, इसको आप वाट आवर में बदल लेना, ठीक है, वाट सेकंड एनर्जी आएगी ये बेटा, क्या आएगी, वाट सेकंड एनर्जी आएगी, वाट सेकंड आएगी, इसको आप आवर में बदल के आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप करके दिखाना मेरे को, वाट सेकंड में एनर्जी है ये, क्योंकि ये मैंने सेकंड में बदल दिया था, आप चाहो तो इसको आवर में ही लिख लो, ठीक है ना, इसको किस में लिख लो, आवर में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर करके इसको सॉल्व कर सकते हो, चलिए करके देखिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 20 ओम, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, और करंट कितना है 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, अब 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप हो जाएगी ये निकालना है, तो आई है आर है टी है, तो टी को ये सेकंड में दे रखा है बेटा, तो सेकंड को पहले किस में बदल लो आप, सेकंड को, हाँ सेकंड में ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, वाट सेकंड जूल होता है, तो सेकंड में ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां भी इसको 48 × 10^5 जूल कह सकते हो, है ना, चलिए आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 होल स्क्वायर, और आर कितना हो गया 20, और टी कितना हो गया 30, इसको सॉल्व करना है जस्ट, 25 × 20 × 30, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 25 × 2 50, और 3 150, और 2 जीरो आ गए, तो 15,000 जूल,
किलो जूल हो जाएगा, 15,000 जूल आएगा ना, तो 15 किलो जूल आ जाएगा ये, ठीक है? यानी 15,000 जूल आएगा, तो ये 15 किलो जूल आ जाएगा एनर्जी, ठीक है? 15 किलो जूल आ जाएगा ये एनर्जी, समझ गया? और ये कितना हो जाएगा, 48 × 10^5 जूल आ जाएगा, और ये 15 किलो जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से इन इंडेक्स क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचते हैं बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए एक छोटा सा वीडियो और बनेगा, तो उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक आप इन वीडियोज को देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।